आप लोग के रिक्वेस्ट पर आज का कक्षा शुरू करने जा रहे हैं। और आप लोग बोले थे कि सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम का ही आज चैप्टर करेंगे। अभी करंट सिलेबस में सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम में दो एक्सरसाइज को रखा गया है, 12.1 और 12.2 को। और ये हम लोग क्लास 10 में हैं और इसमें कम्बिनेशन ऑफ फिगर्स पर रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। एक्सरसाइज वन, एक्सरसाइज 12.1 का सारा क्वेश्चंस सरफेस एरियाज से रिलेटेड होगा और एक्सरसाइज 12.2 का सारा क्वेश्चन वॉल्यूम से रिलेटेड होगा। क्योंकि ये चैप्टर हम लोग क्लास 9 में भी स्टडी किए हैं, अभी इसको क्लास 10 में स्टडी करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर होगा। यहाँ पर आप लोग कुछ फिगर देख रहे होंगे, तो अगर आप लोग ये फिगर का नाम बता सकते हैं क्या है? ये फिगर जो आप लोग, चलिए ठीक है, ये फिगर क्या है? चलिए ये फिगर सिलेंडर। और ये सर्कल, स्फीयर। स्फीयर है, सर्कल नहीं है ये, क्योंकि हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे आपका। हमारा सिलेबस कहता है कि क्यूबॉइड के बारे में आप स्टडी कीजिएगा, कोन के बारे में स्टडी कीजिएगा, सिलेंडर के बारे में स्टडी कीजिएगा, स्फीयर के बारे में स्टडी कीजिएगा। जब आप क्यूबॉइड में आते हैं तो हमारा सिलेबस कहता है कि ये एक और होता है, व्हाट इज द नेम ऑफ अदर व्हेन एल बी एच आर इक्वल, मतलब जहाँ पर लेंथ, हाइट और ब्रेथ क्यूब है ना, तो इसका एक और होगा क्यूब। तो यहाँ पर हम लोग का जो क्वेश्चंस होगा, ऑलरेडी हम लोग स्टडी कर चुके हैं क्लास 9 में, मतलब इसके एरिया का क्या फार्मूला होगा। डू यू नो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एरिया ऑफ ए 3D फिगर? ये सारा का सारा 3D फिगर्स है। तो 3D फिगर्स का एरिया कितने प्रकार के होते हैं आप लोगों को पता है? टू टाइप्स का सर। अच्छा, तो आप नाम बता सकते हैं? यस सर, टोटल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया और कर्व्ड ऑब्जेक्ट में कर्व सरफेस एरिया। हाँ ठीक है, लैटरल सरफेस एरिया को ही हम लोग कर्व सरफेस एरिया कहते हैं। लैटरल सरफेस एरिया आपका क्यूब या क्यूबॉइड वाला फिगर में चलेगा और बाकी का जो फिगर होगा वो लेटर सरफेस एरिया इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया होगा। और हम लोग कर्व सरफेस एरिया को जनरली डिनोट करेंगे CSA से और टोटल सरफेस एरिया को TSA से। अगर थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, क्योंकि क्लास 10 के स्टूडेंट्स हैं तो क्लास 9 में हम लोग चूंकि स्टडी कर चुके हैं तो थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। डू यू नो व्हाट इज द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब? एक क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? सर, क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया 3a। 3a स्क्वायर नहीं होगा? नहीं सर, 3a नहीं होगा, 4l स्क्वायर होगा। अगर l इज द एज, लेंथ ऑफ द एज, मतलब तो थोड़ा सा फॉर्मूला लगता है कि कहीं कहीं आप लोग का मिसिंग हो जा रहा है, पहला ही स्टेटमेंट से पता चल गया, तो थोड़ा सा फॉर्मूला को भी रिकॉल कर लेते हैं। तो आपका लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा 4L स्क्वायर इन केस ऑफ क्यूब, लेकिन वही जब क्यूबॉइड हो जाएगा तो फिर लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? हम लोग ऐसे भी लिख बोल सकते हैं 2h ऑल स्टार l प्लस b, यही ना 2h ऑल स्टार l प्लस b, ये आपका लेटरल सरफेस एरिया हो गया क्यूबॉइड का। अगर आप इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करते हैं क्यूबॉइड का तो क्या हो जाएगा?
क्यूबॉइड का टू इन टू अंडर ब्रैकेट एल वी प्लस पी एच प्लस एल एच इन ब्रैकेट क्यूबॉइड। ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, एक करेक्ट अरेंजमेंट इस तरह से हो जाएगा, टू हॉल स्टार्ट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, एल एच के जगह एच एल बोल देंगे तो थोड़ा और अच्छा हो जाएगा। अब इसका क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, हम लोग अभी एल एल बोल रहे हैं लेंथ ऑफ पेज को, तो हम लोग सिक्स एल स्क्वायर भी बोल सकते हैं, या फिर ए को ए इक्वल टू अगर एच समझ लेते हैं तो फिर सिक्स ए स्क्वायर भी हो सकता है। तो अभी हम लोग इसका क्यूब का और क्यूबॉइड का जो सरफेस एरिया था थोड़ा सा उसमें डिस्कस कर लिए। अब हम लोग यहाँ पर आते हैं, इसके वॉल्यूम पर आते हैं, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा सर, क्यूबॉइड का हो जाएगा एल इंटू बी इंटू एच और क्यूब का हो जाएगा ए क्यूब। चलिए ठीक है, ये तो क्यूब एंड क्यूबॉइड जो है विथ रेस्पेक्ट टू सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है उसके आधार पर थोड़ा सा रिकैप कर लिए। अगर फिर कॉन में आ जाते हैं तो सर कॉन में सी कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, टोटल सरफेस एरिया पाई आर इनटू आर प्लस एल और वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये वॉल्यूम हो गया। थोड़ा सा ये जानना होगा कि व्हाट इज आर, व्हाट इज एल एंड व्हाट इज एच, तो पता है आर इज द रेडियस ऑफ द कॉन। यस सर, R is the radius of the cone, L is slant height and H is height of the cone. Slant height generally denoted by L, ये आपका एक relation बताता है radius और height का, तो क्या relation होता है? It means that sir, L equal to what? L equal to sir under root R square plus H square. ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर ओवर रूट इक्वल टू एल, और ये साइलेंट हाइट। आपको सारा चीज पता चल गया, वॉल्यूम के बारे में पता चल गया कौन का, आपका लेटरल सरफेस एरिया पता चल गया या फिर कर्व सरफेस एरिया पता चल गया, और फिर आपको टोटल सरफेस एरिया का भी पता चल गया। अभी थोड़ा सा हम लोग सिलेंडर में आ जाते हैं, ये कर्सर जो दिख रहा है यहीं पर सिलेंडर है, तो सिलेंडर के बारे में भी बताइए सर। इसका कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर इनटू एच प्लस आर और वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। चलिए ठीक है, वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर, फिर आर प्लस एच और कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। एच आपका डिनोट करता है हाइट को और आर डिनोट करता है रेडियस को। फिर हम लोग आ जाते हैं एस्फेयर में, तो एस्फेयर का सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसमें लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया नहीं आएगा, टोटल सरफेस एरिया ही आएगा टी एस ए 4 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ एक ही अननोन आइटम होगा आपका आर, जो आर डिनोट करता है रेडियस को। एस्फेयर का और कुछ टाइप होता है क्या? यस सर, हेमिस्फेयर। जी, हेमी एस्फेयर, मतलब इसको हम लोग जनरली ऐसे समझ सकते हैं हाफ एस्फेयर। तो इसका भी आपको फाइंड आउट करना होगा कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम। तो ये वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका, 2/3 पाई आर क्यूब। चलिए ठीक है, और ये आपका लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। लेटरल सरफेस एरिया को हम लोग यहाँ कर्व सरफेस एरिया भी बोल सकते हैं, और टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। चलिए वैभव है कि नहीं, वैभव कुछ रेस्पॉन्स ही नहीं कर रहा था,
वैभव है ना क्लास में, क्लास में है ना तुम? चलिए तो इस तरह से हम लोग थोड़ा सा इसका रिकैप कर लिए इसके सरफेस एरिया और वॉल्यूम्स के बारे में। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सरफेस एरिया। पहला टाइप बताइए वैभव। लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। अच्छा, लेटरल सरफेस एरिया का फिर दूसरा कुछ नियम है क्या? सरफेस एरिया। हाँ देखिए, अभी ओंकारेश बोलेगा, बताओ ओंकारेश। सर कर्व सरफेस एरिया। जी, इसको नोट कर लीजिए वैभव। हाँ, लेटरल सरफेस एरिया को हम लोग कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं, और इन केस ऑफ कोन, सिलेंडर और एस्क्वायर में जनरली इसका यूज कर लेते हैं हम लोग। इसको नोट कर लिए वैभव। यस सर। हाँ, वॉल्यूम के बारे में कुछ बोलिए वैभव, वॉल्यूम के बारे में बोलिए। अभी हम लोग पूरा डिटेल्स कर रहे थे। यस सर। तो बताइए सर, वॉल्यूम में, सर वॉल्यूम में हम लोग जो रहता है उसका पूरा सर। हाँ, थोड़ा सा आपको दिक्कत है, आप एक बार ओंकारेश फिर से बोलेगा। ओंकारेश हैज नो प्रॉब्लम अबाउट द फॉर्मूलाज रिलेटेड टू द क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर एंड स्फीयर एंड हेमी स्फीयर। तो अभी ओंकारेश बोलेगा तो आप अपने नोटबुक में नोट कीजिए इसको, या आप बोलेंगे तो मैं इसको लिखूंगा, देन इट विल टेक टाइम, थोड़ा सा ये समय लेगा। तो फिर आप जो बोलेंगे, अगर लिखने बोलेंगे तो लिखूंगा, या फिर ओंकारेश बोलेगा आप नोट कीजिए। ओंकारेश एक बार वॉल्यूम को एक बार ये करो। यस सर। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एल इनटू बी इनटू एच। हाँ ओंकार, वैभव इसको वॉल्यूम, वैभव इसको नोट डाउन कर लो। यस सर। हाँ आगे चलो ओंकारेश। सर वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब साइड इनटू साइड इनटू साइड, साइड का क्यूब। हाँ यहाँ साइड नहीं बोलते हैं ओंकारेश, यहाँ एज बोलेंगे, ई डी जी स्पेलिंग ई डी जी होगा, प्रोनाउंसिएशन एज होगा, ठीक है। अभी कौन का बोलो सर? कौन का? 1/3 πr² एच। फिर सिलेंडर का बोलो? पाई आर स्क्वायर। और फिर स्फीयर का बोलो? 4/3 πr³। तो हमको लगता है कि वैभव इसको नोट डाउन कर लिया होगा। तो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला वी आर एबल टू सॉल्व ऑल क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 12.1 एंड 12.2। तो एक्सरसाइज 12.1 और 12.2 में जितना भी क्वेश्चन होगा ये सारे फॉर्मूले के मदद से हम लोग सॉल्व कर लेगा। अब यहाँ पर क्लास 10 में कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर होगा, मतलब जो हम लोग इसमें क्वेश्चंस जो रिलेटेड होगा एक या एक से ज़्यादा फिगर को ऐड कर देगा, और उसके कॉम्बिनेशन का या तो सरफेस एरिया पूछ लेगा या फिर वॉल्यूम्स पूछेगा। तो जनरली वॉल्यूम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे एक्सरसाइज 12.2 में होगा। तो अब हम लोग वी आर एबल टू टेकल द प्रॉब्लम ऑफ द एक्सरसाइज 12.1। 12.1 के क्वेश्चन को हम लोग टेकल करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो लेट्स सी द एक्सरसाइज 12.1। आइए एक्सरसाइज 12.1 को देखते हैं। सो हियर वी हैव द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 12.1। आप में से कोई एक्सरसाइज 12.1 के पहला क्वेश्चन को रीड कीजिए। Two cubes, each of volume 64 centimeter cube, are joined end to end. Find the surface area of resulting cube. वैभव आप बताइए, इस क्वेश्चन को ये पढ़ लिए, आपको समझ में आया? Yes, sir. चलिए, you have no problem to understand this question. अभी हम बोला कि यहाँ पर combination of figure से ही related question होगा. तो can you tell me कौन कौन सा फिगर को यहाँ कंबाइन किया जा रहा है? टू क्यूब्स का वॉल्यूम को। अच्छा, टू क्यूब्स को, मतलब ये
कंबाइन किया जा रहा है और उसका वॉल्यूम दिया हुआ है, तो क्यूब के वॉल्यूम को ना मतलब टू क्यूब को यहाँ कंबाइन कर दिया गया और उसमें से ईच क्यूब का वॉल्यूम यहाँ पर गिवन है। और हम लोगों से पूछा है कि जो रिजल्टेंट जो बनेगा वो एक्चुअली में क्यूबॉइड हो जाएगा और उस क्यूबॉइड का हम लोगों से सरफेस एरिया पूछ दिया है। तो यहाँ पर सरफेस एरिया का मतलब आपको समझ लेना है टोटल सरफेस एरिया। तो सबसे पहले हम लोग 160 सेंटीमीटर हो जाएगा सर इसका आंसर। हाँ ठीक है, अभी इसको डिटेल्स करेंगे क्योंकि अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से रिलेटेड होता तो आप जो बताए वही होगा, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अगर इस तरह से पूछता है तो अभी क्लास 10 में भी पूछ लेता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बिल्कुल पूछता ही पूछता है। अगर ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आता तो फिर हम लोगों को पूरा डिटेल्स बनाने की ज़रूरत नहीं होता, हम लोग को तो कुछ चार ऑप्शन रहता और उसमें से एक ही ऑप्शन करेक्ट होता और उसको पिक आउट करते। तो हम लोग को तो ऐसा है नहीं, हम लोग क्लास 10 के विद्यार्थी हैं, वी आर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 और यहाँ पर स्टेप वाइज स्कोरिंग होगा। सो यहाँ पर जो सॉल्यूशन होगा वो डिस्क्रिप्टिव होगा या सब्जेक्टिव होगा। तो इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे या एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चंस को जब हम सॉल्व करेंगे तो मेरा पहला स्टेप होगा कि इससे रिलेटेड एक फिगर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, एक रिलेवेंट फिगर पहले ड्रॉ करना ही करना होगा। तो लेट्स आई एम गोइंग टू ड्रॉ द रिलेवेंट फिगर। मैं रिलेवेंट फिगर को ड्रॉ करने जा रहा हूँ, आप लोग देखिए यहाँ पर दिख रहा है। फिगर दिख रहा है जी? नहीं दिख रहा है? चलिए ठीक है, आप लोग भी फिगर ड्रॉ कर लीजिए नोटबुक रखे हैं तो। ये फिगर रेड कलर से जो है ये फर्स्ट क्यूब इसको बता रहा है और ये सेकंड क्यूब, ये दोनों ही क्यूब को क्या किया है, ये दोनों क्यूब को क्या किया, इन टू इन ऐड कर दिया। चलिए ऐड कर दिया, जॉइन कर दिया, यहाँ जॉइंट बोला है तो जॉइन कर दिया। तो आप सबसे पहले फाइंड आउट व्हाट इज द लेंथ ऑफ द एज ऑफ द क्यूब, प्रत्येक क्यूब के एज का लेंथ पहले फाइंड आउट करना होगा। इसके लिए हम लोग को यहाँ पर वॉल्यूम केवल दिया हुआ है। तो नो आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूँ। लेट्स सी हियर, करूँ सॉल्व? यस सर। बताइए फ्रॉम क्वेश्चन इट इज क्लियर दैट, क्या पता चल रहा है? दिख रहा है लिखा हुआ स्क्रीन में? यस सर। क्या लिखे हम? फ्रॉम क्वेश्चन इट इज बताइए क्वेश्चन से क्या क्या क्लियर हो रहा है? कितना हो जाएगा? 64 क्यूबिक सेंटीमीटर।
ठीक है। अभी फॉर्मूला रिकॉल कीजिए वॉल्यूम ऑफ द क्यूब का। क्यूब ठीक है। एनीबॉडी हैज प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड, मतलब एज का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। ठीक है, यूनिट को यहाँ पर डाल दिए, अब यहाँ पर क्या होगा, एज क्या हो जाएगा बोलिए। 4 सेंटीमीटर, ये स्टेप लिख देना होगा, एज ऑफ द क्यूब इक्वल टू आपका हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ क्या हो जाएगा बोलिए, 64। इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो हम लोग ज्वाइंट किए ये दो क्यूब, तो रिजल्टिंग में हमको क्या मिला, हो जाएगा। हमको रिजल्टिंग में क्या मिला, एज ऑफ द क्यूब मिल गया हमको, क्यूबॉइड मिला ना, रिजल्टिंग में हम लोग को क्यूबॉइड मिला, जब दो क्यूब को ज्वाइंट किए हैं तो रिजल्टिंग में हम लोग को क्यूबॉइड मिला। तो आप लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड बोलिए कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। इक्वल टू एक ही बार लिख दो, 8 सेंटीमीटर, समझ में आ जाएगा। अब आपका इसका ब्रेड कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। चलिए वैभव, हैव यू एनी प्रॉब्लम? नो सर, लेंथ नहीं पता, लेंथ समझ नहीं आया। अच्छा ठीक है, हाइट क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं फिगर को, एक बार देख रिकॉल कर लेते हैं वैभव, ये देखिए कैसे हुआ, ये आपका ये 4 है, यहाँ पर देखिए आप, ये 4 है वैभव यहाँ से, और फिर ये 4 है, तो दोनों 4 को ऐड करेगा तो कितना हो जाएगा, ये दिस इज द 4, हाँ फिगर दिख रहा है ना, और ये 4, फिगर दिख रहा है वैभव, है क्लास में, तो ये 4 रेड कलर में जो कर दिए, 4 + 4 लेंथ हो गया 8। हेलो, नो यू हैव एनी प्रॉब्लम वैभव, अब आपको कोई प्रॉब्लम है लेंथ को समझने में? नो सर, चलिए देयर इज नो प्रॉब्लम, तो चलिए इसको कंटिन्यू करता हूँ हम लोग। नो सर, हाँ हाँ अब कंटिन्यू कर रहा हूँ, आगे चलना होगा ना। तो अब बताओ ओंकारेश, अब क्या करूं इसमें, क्या बोल रहा था इसमें ओंकारेश, है क्लास में? सर सरफेस एरिया निकालने, तो सरफेस एरिया ऑफ द क्या लिखेंगे? यस सर, सरफेस एरिया निकालने बोल रहा है। चलिए सरफेस एरिया क्यूबॉइड, क्यूबॉइड इसके एक बार फॉर्मूला को रिकॉल कीजिए क्या होता है। सर 2 LB + VH + HL,
क्या फॉर्मूला ठीक है? रेस्पॉन्स कीजिए, फॉर्मूला ठीक है? चलिए क्या देखो, अब नॉट पुटिंग द वैल्यू ऑफ, नॉट कर रहे हैं आप लोग? यस सर, यस सर। ठीक है, क्या हो जाएगा उनका रेस बताओ। कितना लिखूं सर? यहाँ हो जाएगा हम लोग का 8 × 4 + 4 × 4 + 8 × 4 + 4 × 8। ठीक है, यस सर, 4 × 8। चलिए नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा इक्वल टू? कितना होगा? 32 + 16 + 32। ओंकारेस, हैव यू एनी प्रॉब्लम एट दिस स्टेप? इस स्टेप में आपको कोई दिक्कत है ओंकारेस? नो सर। वैभव, हैव यू एनी प्रॉब्लम? नो सर। वैभव, नो सर। चलिए क्या हो जाएगा, एडिशन बताओ। एडिशन बताओ ओंकारेस। 80 हो जाएगा? 82 सर। यस सर। चलिए आफ्टर द मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा? 160 cm². 160 square cm। ठीक है, सो दिस इज द आंसर। एनीबॉडी हैज प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन? ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया? यस सर। चलिए, यस सर। चलिए, देयर इज नो प्रॉब्लम। यस सर। या ठीक, देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसको नोट भी कर लिए ना आप लोग? यस सर। चलिए ठीक है, तो देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1 एंड होप दैट दिस सॉल्यूशन विल बी यूजफुल टू बोथ ऑफ यू। ये सॉल्यूशन आप लोगों के लिए उपयोगी होगा एंड अदर स्टूडेंट्स हु आर इन क्लास 10 ऑफ CBSE बोर्ड, जब इसको यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा उस समय जो देखेंगे उनके लिए भी मे बी ये उपयोगी हो सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं ओंकारेश। हाँ, फिगर को इरेज कर दूं? फिगर को इरेज कर दूं? चलिए, यस सर। हाँ, नाउ रीड द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को रीड कीजिए। द वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। ठीक है भाई। वैभव, हैव यू एनी प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन? देयर इज नो प्रॉब्लम। देन से समथिंग अबाउट दिस क्वेश्चन। तो बताओ इस क्वेश्चन के बारे में कुछ। इसमें कौन कौन सा फिगर को कंबाइन किया गया है?
सर हमें स्फीयर और सिलेंडर को, चलिए हमें स्फीयर और सिलेंडर को, सिलेंडर को ठीक है। इसका रिलेवेंट फिगर क्या हो जाएगा? सर एक सिलेंडर को कोन बना देंगे, हेमिस्फीयर बना देंगे। हेमिस्फीयर जो होगा वो नीचे होगा कि ऊपर में होगा, टॉप में होगा कि बॉटम में होगा? कहीं टॉप में भी होगा, बॉटम में भी होगा। चलिए ये एक्चुअली में वेसल है, तो अगर टॉप में रख देंगे तो ठीक होगा भाई? हेमिस्फीयर को टॉप में रख देंगे तो ठीक होगा? नहीं सर। हाँ तो भाई थोड़ा सा ये भी तो समझना है, हेमिस्फीयर एक्चुअली में बॉटम में होगा और फिर उसके टॉप में एक सिलेंडर हो जाएगा, यही ना? इसका रिलेवेंट फिगर पहले ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है? तो नो आई एम गोइंग टू ड्रॉ द रिलेवेंट फिगर। फिगर दिख रहा है? ठीक है, ये आपका नीचे वाला जो पार्ट है ये हेमिस्फीयर है और ये पार्ट सिलेंडर है। अगर इसको और यदि यहाँ पर ऐसे कर देना चाहते हैं तो कर दीजिए। सो दिस इज द रिलेवेंट फिगर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है ओंकारेश? इस क्वेश्चन का रिलेवेंट फिगर यही होगा। अब आप बताओ ये क्वेश्चन से हमको क्या क्या मिल रहा है? यस सर, क्वेश्चन से क्या क्या मिल रहा है? रेस्पॉन्स कीजिए कोई। सर हम लोग को रेडियस मिल रहा है और हाइट आपको, ये देखिए टोटल हाइट आपको गिवन है, क्वेश्चन में डायमीटर दिया हुआ है और हाइट ऑफ द वेसल दिया हुआ है। तो हाइट ऑफ द वेसल में आपका 13 सेंटीमीटर ऑलरेडी क्वेश्चन में है और ये आपका 14 सेंटीमीटर जो है इसका क्या है, डायमीटर है। तो हमको चाहिए यहाँ पर रेडियस, वी नीड हियर रेडियस। अगर ऐसे ड्रॉ कर देते हैं हमको चाहिए रेडियस। तो रेडियस क्या होता है, डायमीटर और रेडियस में क्या रिलेशन है? तो रेडियस इज द हाफ ऑफ द डायमीटर, रेडियस इज द हाफ ऑफ द डायमीटर। तो 14 का हाफ क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, तो रेडियस यहां पर आ जाएगा 7, रेडियस हो गया 7। तो ये यहां से लेकर के ये देख लीजिए थोड़ा सा फिगर को, ये यहां से देख लीजिए, यहां से यहां का हाइट कितना हो जाएगा ओंकारेश बताओ, जो ब्लू कलर में दिख रहा है 7 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर। ये टोटल हाइट कितना है, 13 है, 13 में 7 को, हाँ 13 में 7 को सबट्रैक्ट कर दीजिएगा, तो ये हाइट आपका हाइट ऑफ द सिलेंडर हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। एनीबॉडी हैज प्रॉब्लम, किन्हीं के पास कोई दिक्कत समझने में? यस सर, नो सर। हाँ प्रॉब्लम है? नो सर, नो सर। तो फ्रॉम क्वेश्चन इट इज क्लियर दैट वी हैव हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 6 सेंटीमीटर and we have radius of the cylinder is 7 cm and radius of the hemisphere is 7 cm. In this question ask us find the inner surface area of the vessel. अब इसका सरफेस एरिया हमको पूछ रहा है, तो क्या क्या हम लोग डालेंगे? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द क्या डाल देंगे, हेमिस्फीयर, और फिर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर,
ठीक है, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया और आपका हेमी स्फीयर के कर्व सरफेस एरिया को फाइंड आउट करके ऐड कर देंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो लेट सी द सॉल्यूशन, यहाँ पर सॉल्यूशन देखिए, वाह वेरी गुड। तो एक बार देख लेते हैं यहाँ पर क्या आता है। सॉल्यूशन करें वैभव, चलिए लेट सी द सॉल्यूशन। बताइए फ्रॉम क्वेश्चन इट इज क्लियर दैट व्हाट। डायमीटर ऑफ हेमी स्क्वायर इज 14 सेंटीमीटर और टोटल हाइट ऑफ वेसल इज 13 सेंटीमीटर। पहले लिखते हैं रेडियस, रेडियस ऑफ द हेमी स्फीयर इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो। 7 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ द सिलेंडर, इक्वल टू हो जाएगा हाफ ऑफ द डायमीटर, मतलब 14 बाई क्या हो जाएगा 2 होगा, यही ना, इक्वल टू क्या होगा 7 सेंटीमीटर। ओके, अब हम लोग को चाहिए हाइट ऑफ द सिलेंडर। इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, हाइट ऑफ द सिलेंडर इक्वल टू टोटल हाइट ऑफ द सर 13 माइनस 7 टोटल हाइट ऑफ द वेसल माइनस हाइट, वेसल माइनस हाइट ऑफ द हेमी स्क्वायर। माइनस रेडियस ऑफ द हाइट ऑफ द हेमी स्क्वायर, हाइट ऑफ द रेडियस होगा हाइट हेमी स्क्वायर का, रेडियस ऑफ द हेमी स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, एनीबॉडी हैज प्रॉब्लम? नो सर, देयर इज नो प्रॉब्लम। जी सर, स्टेप में हम लोग क्या लिख देंगे, 13 माइनस कितना लिखेंगे 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग क्या रिकॉल करेंगे बोलिए, क्या पूछा है, इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, इनर इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल इक्वल टू व्हाट सर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्क्वायर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्क्वायर, सीएसए ऑफ हेमी स्फीयर और सिलेंडर, राइट डाउन एनी वन ऑफ दीज टू। ओके, तो सिलेंडर प्लस सी एस ए ऑफ हेमी स्क्वायर, इक्वल टू राइट डाउन व्हाट विल बी द 2 इंटू पाई इंटू आर इंटू एच। ओके, प्लस प्लस 2 इंटू पाई इंटू 2 पाई आर स्क्वायर,
now putting the value, what will be here? 2 बताओ क्या हो जाएगा, 2 कॉमन ले लिए दोनों में था, ठीक है। यहाँ देखो 2 पाई आर एच और ये 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई कॉमन ले लिए, तो पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, पाई भी कॉमन ले लीजिए, तो 2 इनटू पाई का वैल्यू कितना डाले सर, आर भी कॉमन ले, चलिए तो आर भी कॉमन ले लेता हूँ, तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा बोलिए, 2 × 22/7 इनटू फिर क्या कर दो, 7 फिर यहाँ क्या, यहाँ पर क्या रह जाएगा, एच कितना हो जाएगा, 6 प्लस आर कितना हो जाएगा, 7 ओके। एनीबॉडी हैज प्रॉब्लम, समझ में बात आया ना, तो ये 7 कैंसल आउट कर देंगे तो 2 × 22 कितना हो जाएगा, 44 इंटू क्या हो जाएगा, 44 × 13 इक्वल टू कितना, इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलिए, 5 × 72 × 7 cm 34 × 52 × 5 × 34 × 72 then here will be what, 5 7 okay, any problem? No sir. यहाँ क्या लिख देंगे, ठीक है भाई, वो बताओ कोई दिक्कत है क्या इस सॉल्यूशन को समझने में, हैव यू एनी प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड दिस सॉल्यूशन? नो सर। तो देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड दिस सॉल्यूशन, चलिए इस सॉल्यूशन को समझने में आपको तो कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली वी कैन डू रेस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, इसी तरह से हम लोग इस एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चंस को कर सकते हैं, आप लोग ट्राई कीजिए, अगर फिर कोई दिक्कत होता है तो इसके लिए या तो क्लास अरेंज कर लेंगे, और यदि बन जाता है तो फिर अगले एक्सरसाइज के लिए क्लास अरेंज करेंगे। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही रखेंगे, अगर यदि कोई डाउट है तो थोड़ा सा हम कुछ पूछेंगे, उसके बाद इस क्लास को ओवर कर लेंगे, ठीक है। Anybody has problem to understand the solution of this question? इस question के solution को समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत? No sir. चलिए there is no problem. तो चलिए अब कुछ oral question का session चलेगा और उसके बाद ये class को over कर दूंगा, और बाकी का question जो है आप लोगों के लिए ये homework रहेगा। क्या मैं फिगर को इरेज कर सकता हूँ, कैन आई इरेज द फिगर, फिगर को इरेज कर दूं, कैन आई इरेज द फिगर, कहाँ सो जाते हैं आप लोग, क्या सो गए थे, बड़ा लेट से सो गए थे, यस सर फिर बोल रहे सो गए थे, तो लेट सी ओरल सेशन ही, ओरल सेशन को मैं ओवर करता हूँ, ठीक है। No, I am going to over the oral session. Oral session को मैं वीडियो ऑन कीजिए आप लोग, yes, sir. वीडियो ऑन कीजिए, सो गए, ऑन है सर, अच्छा तो तुम्हारा तो फिगर ही नहीं दिख रहा, बताओ वैभव बताओ, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, वैभव फॉर्मूला बताओ, लाइट जला हुआ है,
स्क्वायर के वॉल्यूम का फॉर्मूला बताओ। स्क्वायर के वॉल्यूम का फॉर्मूला बताओ भाई। बाबू 4/3 πr³। मैंने वीडियो ऑफ करोगे, बुक निकालोगे, देखोगे और फिर बोलोगे। चलो सिलेंडर का बताओ। 4/3 πr³। आपका तो वीडियो ही नहीं आता है जब बोलते हैं तो। अच्छा ये बताओ, हाँ सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला बताओ। 4/3 πr³। सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला बताओ। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर? 4/3 πr³। आई एम नॉट आस्किंग वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, आई एम आस्किंग सिलेंडर। सिलेंडर सिलेंडर का पूछ रहा हूँ मैं। वॉल्यूम कर्व सरफेस एरिया ओंकारेश बताओ। कर्व सरफेस एरिया का, सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया का अपना वीडियो दिखाते हुए या फिर वीडियो ऑफ करोगे फिर? आप वीडियो तो ऑफ रखे हो भाई, तो मैं क्या समझूं? आप देख के बता रहे हो, बिना देखे बता रहे हो। इतना देर से रेस्पॉन्स करोगे तब तो चलो। कौन का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला बताओ। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कर्व सरफेस एरिया? सिलेंडर से ही तो बता रहे। अब कौन का पूछ रहा हूँ भाई, कौन कौन उसी को बता रहा है। कौन का पूछ रहा हूँ, कौन? या मैं सुन रहा हूँ। ओंकारेश सुन रहे हो? अच्छा नेटवर्क प्रॉब्लम। चलिए आज का क्लास नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण इधर से तो। हाँ मैं तो पूछ रहा था कौन का पूछ रहा था। व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन? पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन। चलिए ठीक है आज का। अच्छा ठीक है, लग रहा है नेटवर्क प्रॉब्लम जा रहा है। तो आज का क्लास मैं यहीं पर ओवर करता हूँ, अगले क्लास में फिर आप लोगों से मिलता हूँ। तो टिल देन थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड गुड नाइट एवरीवन।